Dear students, welcome in the lecture series on chemical bonding. And this is part 2, where we will discuss about the valence bond theory that is given by Hitler and London. तो बच्चों आपका स्वागत है इस केमिकल बॉन्ड की लेक्चर सीरीज में, बॉन्डिंग की लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और यहां पर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हिटलर लंडन थ्योरी को डिस्कस करेंगे. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो दी गई वो प्रपोज सबसे पहले किसने करी? हिटलर एंड लंडन ने इन 1927 फॉर कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की, जिसको फर्दर एक्सटेंड किया था पॉलिंग एंड स्लेटर ने 1931 में. तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिटलर एंड लंडन, जिन्होंने प्रपोज की थी थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे. और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिंग एंड स्लेटर की थ्योरी. The theory given by Hitler and London in 1927 is the theoretical treatment for explaining covalent bond. तो इनकी जो थ्योरी थी वो थ्योरेटिकल ट्रीटमेंट था, हाइपोथेटिकल, एक थ्योरेटिकल कह सकते हैं आप, जिसकी हेल्प से उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को समझाया. और इसके लिए उन्होंने एक बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल लिया, जो कि सबसे सिंपल जिसमें एटम है वो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बनना. उस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन एटम, जो कि सबसे सिंपल सिस्टम है जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है. तो इस थ्योरी को समझाने के लिए अलग अलग उन्होंने इसमें कंसेप्ट दिए. तो सबसे पहले जो उन्होंने सोचा, इसमें उन्होंने एक तो क्या लेते हुए चले हैं, वेव फंक्शन को लेते हुए वो चले हैं, कि वेव फंक्शन को अगर हम एक किसी एक एटम का अगर वेव फंक्शन कुछ साई है, मान लीजिए दूसरे का साई है, तो पूरे सिस्टम जो उससे बनता है उसका जो वेव फंक्शन है वो क्या हो जाता है, साई इंटू साई. तो अगर अलग अलग एटम का जो साई है उससे अगर एक सिस्टम बन रहा है, तो उसका जो साई होता है दोनों के साई का मल्टीप्लिकेशन होता है. ओके, तो उससे हम साई की वैल्यू निकाल सकते हैं. साई क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज साई इज हेल्पफुल इन द कैलकुलेशंस ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी कैलकुलेशंस में बहुत हेल्पफुल है. ओके, अब दूसरा एक और उन्होंने साई के लिए एक और रूल है, कि अगर ऐसे बहुत सारे सिस्टम हो तो हर एक सिस्टम का साई अगर हम जोड़ देंगे तो कंप्लीट मॉलिक्यूल का साई हम निकाल सकते हैं, जिसको हम एग्जांपल से देखेंगे. ओके, अब सबसे पहले उन्होंने ये डिफरेंशिएट किया है, देखिए एक हाइड्रोजन एटम और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, दोनों को डिफरेंशिएट किया है. एक में ए लिखा है और दूसरे में बी लिखा है. दोनों हाइड्रोजन एटम एक से ही होते हैं. एक के इलेक्ट्रॉन को नंबर 1 नाम दिया है और दूसरे को नंबर 2, लेकिन दोनों एटम एक से हैं. बट फॉर एक्सप्लेनिंग द बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे डिफरेंशिएटेड द बोथ द हाइड्रोजन एटम्स बाय राइटिंग ए एंड बी एट देयर सुपर सबस्क्रिप्ट. ओके, तो अब आप देखिए जो एच ए है इसका वेव फंक्शन साई ए हमने कहा, एच बी जिसका इलेक्ट्रॉन का नंबर हमने 2 दिया है उसके वेव फंक्शन को साई बी कहा. तो इन दोनों को जब हम इनफाइनाइटी से लाएंगे पास में, ओके, तो एक एच ए एटम है और एक एच बी है, ये इनफाइनाइट से पास में आ रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे. तो जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो देखिए एच ए का इलेक्ट्रॉन तो अपने पास है, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन एच ए के पास है और नंबर 2 इलेक्ट्रॉन एच बी के पास है, और फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा. और मैंने आपसे ये कहा कि एक रूल फॉलो करते हैं ये साई को कैलकुलेट करने के लिए, अगर एच ए का साई साई ए है, एच बी का साई बी है, तो ये जो इस सिस्टम का जो साई होगा वो साई ए साई बी, तो ये क्या हो गया, साई ए साई बी इज द साई ऑफ दिस एच टू मॉलिक्यूल. अब देखते हैं कि इस एच टू मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या कैलकुलेट होके आई इस साई से.
ये देखिए ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये किसके बीच में है, एनर्जी एंड वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो यहां पर न्यूक्लियस है और यहां से डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं। ओके, तो अब आप देखिए कि ये जो कंडीशन है, ये यहां पर जो कंडीशन मैंने दिखाई है, देखिए जब दो मॉलिक्यूल दो एटम्स देखिए यहां से इनफाइनाइटी से आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं, तो धीरे 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 क्या हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, एक मिनिमम अटेन कर रही है वैल्यू। देन अगेन अगर हम इस डिस्टेंस से नजदीक अगर इनको लाएंगे तो फिर रिपल्शन शुरू हो जाएगा और एनर्जी बढ़ने लगेगी। तो पहले क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है दोनों एटम्स के बीच में, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये इस पोजीशन पर के नजदीक अगर हम लाएंगे तो फिर से रिपल्शन होगा और एनर्जी बढ़ने लगेगी। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जो कि उन्होंने दी थी कि जो साई ए था उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास था और साई बी का इलेक्ट्रॉन उसके पास था, तो एनर्जी कितनी कैलकुलेट हो आई, 24 किलो जूल पर मोल। ये नेगेटिव में वैल्यू है, 24 किलो जूल पर मोल एनर्जी कैलकुलेट होके आई, और जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो कैलकुलेट होके आई वो थी 0.90 एंगस्ट्रॉम। अगर हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, तो उसके लिए जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो है 0.74 एंगस्ट्रॉम और जो एनर्जी है वो है 0.458 किलो जूल पर मोल। तो आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल जो एनर्जी है वो बहुत कम है, 458, और जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो भी 0.74 है। जो डैश लाइन से दिखाया गया है ये एक्सपेरिमेंटल है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट से निकाली गई, जो एक्चुअली होती है, एक्चुअल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट मतलब एक्चुअल वैल्यू। तो इसका मतलब है कि ये जो कंसेप्ट था ये देखिए इतना दूर है, मतलब ये कंसेप्ट ही सफिशियंट नहीं था कोवेलेंट बॉन्डिंग को समझाने के लिए, मतलब इस मॉलिक्यूल में कुछ और भी होता है जिसकी वजह से उसकी एनर्जी इतनी कम है। ओके, तो हिटलर एंड लंडन ने इसको एक्सटेंड करते हुए एक नया कंसेप्ट दिया, क्योंकि थियोरेटिकल कंसेप्ट है, उन्होंने ये सोचा कि क्या क्या ऐसा हो सकता है कि इस सिस्टम की एनर्जी और कम हो जाए। तो एक कंसेप्ट उन्होंने दिया एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये पहली सिचुएशन थी जहां पर एच ए का इलेक्ट्रॉन एच ए के पास था और एच बी का इलेक्ट्रॉन एच बी के पास था। ओके, नाउ द कंडीशन इज दैट ये जो टू इलेक्ट्रॉन है ये ए के पास आ जाए, एक्सचेंज में भी पॉसिबल, तो ये इलेक्ट्रॉन एच ए के पास आ जाए और वन वाला इलेक्ट्रॉन एच बी के पास आ जाए, तो दिस मे बी द सिचुएशन कि एच ए के पास टू इलेक्ट्रॉन आ गया और एच बी के पास वन इलेक्ट्रॉन आ गया, देन दीज टू इलेक्ट्रॉन्स दे कैन बी शेयर्ड इन बिटवीन दीज टू एटम्स। तब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, ये शेयर हो सकता है। तो देखिए एक सिस्टम यह है एच टू मॉलिक्यूल का जिसका साई क्या है, साई ए वन साई बी वन, वन इलेक्ट्रॉन ए का है और टू इलेक्ट्रॉन बी का है, ये दूसरा सिस्टम बन गया H2 मॉलिक्यूल का। और यहां पर आप देखिए जो साई ए है उसके पास टू इलेक्ट्रॉन है और साई बी के पास वन इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया है, मतलब ये एक सिस्टम है इसका साई ए है और ये जो दूसरा सिस्टम है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका ये साई। अगर हम टोटल साई देखेंगे बॉन्डिंग का तो वो क्या हो जाएगा, ये साई प्लस ये साई, मतलब जब भी एच टू मॉलिक्यूल बनेगा तो ये भी पॉसिबिलिटी है और ये पॉसिबिलिटी भी है, थियोरेटिकल ट्रीटमेंट है। तो यहां पर ये दोनों साई दो तरीके से ऐड हो सकते हैं, या तो ये जुड़ेंगे या ये नहीं जुड़ेंगे। तो इस तरीके से जब ये जुड़ते हैं तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, और जब ये नहीं जुड़ते हैं, जब ये सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो फिर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो ये दो सिचुएशन मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में। नाउ आप देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है और ये जो सिचुएशन है नंबर टू, देखिए नंबर वन हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वहीं पर है जहां पर वो थे। दूसरी सिचुएशन बताई हिटलर एंड लंडन ने कि इट मे बी द पॉसिबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो सके, तो इस पॉसिबिलिटी को हमने टू कह दिया। और यहां पर आप देखिए कि ये एनर्जी कम हो गई, देखिए जो 24 थी वो कितनी हो गई, 303, ये एनर्जी कम होके 303 आ गई, और जो जो डिस्टेंस है वो भी आप देख सकते हैं 0.80 आ गई।
तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अभी भी ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से बहुत दूर है। इसलिए फर्दर उन्होंने सोचा कि शायद इसमें कुछ और होता हो। तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एनर्जी इतना शिफ्ट हो गई, तो हो सकता है इसके अंदर कुछ और भी हो। तो वो उन्होंने फर्दर सजेशंस दिए कि इसके अंदर और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये जो थर्ड पॉसिबिलिटी थी वो क्या थी? वो थी स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो उनके अकॉर्डिंग हिटलर एंड लंदन ने एक और थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया कि ऐसा हो सकता है कि ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये इस एटम का न्यूक्लियस है, ये इस एटम का न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है इस एटम का और ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का, ये हाइड्रोजन एटम्स। ओके, तो अब देखिए इनके बीच में क्या हो रहा था, अट्रैक्शन, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके बीच में थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। ये अगर रिपेल करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस एच एटम का, वो इस न्यूक्लियस से उतना अट्रैक्ट नहीं होगा जितना इसे होना चाहिए था, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन। इस रिपल्शन को हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन कर रहा है, शील्ड कर रहा है, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है एच ए का, वो इस न्यूक्लियस से उतना अट्रैक्ट नहीं होता जितना इसे अट्रैक्ट होना चाहिए था। इसी तरीके से जो एच बी का इलेक्ट्रॉन है उसको इस न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन होना चाहिए था वो उतना अट्रैक्शन नहीं है। तो ये हम देखते, ये एच ए है और ये एच पी एटम है। तो आप देख रहे हैं इस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से इन न्यूक्लियस के बीच में क्या हो रहा है, ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को उतना इफेक्टिवली अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए था। तो इसको यहां पर कौन सा कंसेप्ट आया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज फील करना चाहिए था वो ये फील नहीं कर पा रहे हैं, किसकी वजह से, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। तो मतलब जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कंसिडर किया जाना चाहिए। इसकी वजह से देखिए पोटेंशियल एनर्जी कर्व में क्या चेंज आते हैं। तो अब आप ये थर्ड कंडीशन देखिए, देखिए तीसरा जो कर्व है, ये थर्ड कंडीशन की सिचुएशन अगर हम देखें तो यहां पर क्या है कि ये एनर्जी आप देख सकते हैं कितनी हो गई, 365। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट को ऐड किया गया तो ये एनर्जी हो गई 365 और जो ये बॉन्ड डिस्टेंस है वो हो गई 0.76। तो आप देख सकते हैं कि ये 0.76 हो गई है, धीरे 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 नजदीक आ रहा है मामला एक्सपेरिमेंटल के। तो ये 365 अभी भी 458 से दूर है। तो इसका मतलब और भी कुछ होता है जब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और उसको थ्योरेटिकली अगेन एक्सप्लेन किया हिटलर एंड लंदन ने। ओके, एंड दैट कंसेप्ट इज द आयनिक करेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और ये कंसेप्ट किस चीज का था, ये था आयनिक करेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब एक और कंसेप्ट उन्होंने दिया कि ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास आ जाए, जो एच ए का इलेक्ट्रॉन था वो भी कहां चला जाए, एच बी के पास। ओके, या क्या हो सकता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाए, एच ए के पास, मतलब जो एच बी का दूसरे नंबर का जो इलेक्ट्रॉन था वो भी एच ए के पास आ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो आप देख सकते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, एच बी के पास। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। एच ए का जो इलेक्ट्रॉन था वन, वो एच बी के पास चला गया, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ आप देखिए एच बी का इलेक्ट्रॉन एच ए के पास चला गया तो किस कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। एच बी के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अगेन आप देखेंगे ये एक सिस्टम और मिल गया हमें, वो है एच ए प्लस एच बी माइनस एंड एच ए माइनस एच बी प्लस। तो इन दोनों सिस्टम की जो साई होगी वो भी अलग अलग होगी। क्या हो गई, साई बी वन, देखिए बी के पास दोनों इलेक्ट्रॉन है, साई बी वन साई बी टू। और इसके लिए जो ये सिस्टम है इसके लिए क्या हो गया, साई की वैल्यू, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ है, साई ए के पास, तो साई ए वन साई ए टू। तो अगर हम इसको कहेंगे, हम इसको क्या कह रहे हैं, ये आयनिक हो गया देखिए मॉलिक्यूल,
इस पर कैसा करेक्टरिस्टिक आ गया, आयनिक। तो आप ये देख सकते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड होता है इवन इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहां पर भी आपने देखा थोड़ा आयनिक करेक्टर होता है। और इसकी अगर हम इन दोनों सिस्टम की साई को जोड़ दें तो ये साई आयनिक कहलाएगी। और साई आयनिक क्या कहलाएगी, साई बी वन साई बी टू प्लस साई ए वन साई ए टू। तो ये साई आयनिक है, यानी किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में कुछ आयनिक करेक्टर भी होता है। इसको एक्सप्लेन किया हिटलर एंड लंडन ने। और यहां जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हमने साई पढ़ी, इसको हमने नाम दिया साई कोवेलेंट, क्योंकि यहां पर आयनिक नेचर नहीं था। तो अब आपको ये ध्यान देना है ये साई कोवेलेंट है, जिसको हम साई बॉन्डिंग भी कह रहे हैं, बॉन्डिंग हो रही है यहां पर, ओके। और एक साई स्टार है, इसको आप ध्यान रखिए। साई स्टार मतलब कोई भी जो सब्ट्रैक्शन हो गया है दोनों की साई वैल्यू में। अब अगेन हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को, और यहां पर आप इस लाइन को देखिए। इस लाइन को अगर आप देखेंगे तो इसको हम सिचुएशन फोर कहेंगे, जहां पर हमने देखा कि क्या हो रहा था, आयनिक करेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसकी वजह से जो साई चेंज हुई थी, उस साई की हेल्प से जब एनर्जी कैलकुलेट की गई तो वो 388 किलो जूल पर मोल आई, और जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो आ गई 0.75, जो कि 0.74 के बहुत नजदीक है। तो इसके बाद हिटलर एंड लंडन ने फिर यहीं पर बताया कि ये जो कंसेप्ट ऐड होते चले गए, इसी तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसके बाद कोई भी कंसेप्ट नहीं आया, और ये माना गया कि जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो सिचुएशन वन हो सकती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन अपने ही पास होंगे एटम के। सिचुएशन टू भी हो सकती है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हों। सिचुएशन थ्री हो सकती है जहां पर स्क्रीनिंग हो सकता है दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। और सिचुएशन फोर भी होती है जहां पर आपने देखा कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास ट्रांसफर हो गए, मतलब आयनिक करेक्टर आ गया बॉन्ड का। तो ये सब मिलके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता रहे हैं कि किस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये जो सिचुएशन आपको ये वाली दिखाई है मैंने, ये किसकी सिचुएशन है, ये साई स्टार की सिचुएशन है, ओके। ये साई स्टार की सिचुएशन है, और ये जो सेकंड सिचुएशन है ये साई बॉन्डिंग की सिचुएशन है, ओके। साई स्टार मींस कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, जैसे जैसे हम नजदीक लाए दो एटम्स को तो एनर्जी बढ़ती ही चलेगी, बढ़ती ही चलेगी, कम नहीं हुई, देखिए माइनस में नहीं आई, तो मतलब नो बॉन्ड फॉर्मेशन। साई स्टार का मतलब नो बॉन्ड फॉर्मेशन, जबकि अगर एनर्जी डिक्रीज होगी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एंड दिस इज द थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। और सबसे पहले ये जो थ्योरी थी, जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वो दिया हिटलर एंड लंडन ने। सो नाउ वी विल कंक्लूड दिस लेक्चर। अब हम इसको कंक्लूड करेंगे कि हमने इसमें क्या पढ़ा, इसको पढ़ के हमें क्या फायदा हुआ। इसकी आपने स्टार्टिंग देखी, और आप देखेंगे बहुत स्पेशल कंसेप्ट इसमें से निकल के आएगा। हमने इसमें पढ़ा कि जो हिटलर एंड लंडन थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें कई सारी सिचुएशंस हो सकती है। नंबर वन, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम का अपने पास हो। नंबर टू, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्सचेंज, ओके। नंबर थ्री, देयर मे बी द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द टू एटम्स, जिसको हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा। और चौथा इफेक्ट जो हमने देखा वो है कि आयनिक करेक्टर इन द कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से अगर हम टोटल साई को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जो साई कैलकुलेट होके आएगी वो क्या होगी, वो इन सब साई को अगर हम जोड़ दें। अगेन आई एम राइटिंग, क्या मैं लिख रही हूं, देखिए हमने कहा कि एक सिचुएशन ये है जब एच ए है, एच ए के पास वन इलेक्ट्रॉन है, एच बी के पास नंबर टू इलेक्ट्रॉन है, ओके। दूसरी सिचुएशन है जब एच ए के पास नंबर टू इलेक्ट्रॉन है और एच बी के पास नंबर वन इलेक्ट्रॉन है, ओके। तीसरी सिचुएशन है जब एच ए के पास दोनों इलेक्ट्रॉन है, ओके, और एच बी के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये प्लस है और ये माइनस है।
चौथी सिचुएशन है जब एच ए के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये प्लस है और एच बी के पास दोनों इलेक्ट्रॉन है, वन भी है और टू भी है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो आप देखिए तो इन चारों के जो साई है इसका साई क्या है, देखिए ये है सिस्टम का साई, ये है इस सिस्टम का साई, ये है इस आयनिक, ये क्या है कोवेलेंट सिस्टम, ये क्या है कोवेलेंट, ये हमें बता रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, और ये किसके बारे में बता रहा है आयनिक नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो ये देखिए ये आयनिक है, तो जब आयनिक और कोवेलेंट को हम जोड़ देंगे तो टोटल साई हमें मिलेगी और उस साई की हेल्प से जो एनर्जी कैलकुलेट की गई वो थी 388 किलो कैलोरी पर किलो जूल पर मोल एंड जो डिस्टेंस आई 0.75 एंगस्ट्रॉम आई इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इससे एक नया कंसेप्ट जनरेट हुआ, वो कंसेप्ट क्या आप कह सकते, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये आप इसको भी देख सकते हैं, इतना स्मॉल इतना सिंपल मॉलिक्यूल है जहां पर आप देख सकते हैं कि आयनिक नेचर भी बॉन्ड में होता है। तो हर तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ा सा आयनिक करैक्टर भी होता है, कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि ये एटम्स कैसे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस H2 मॉलिक्यूल को हम सिंगल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं हम, तो इसका मतलब है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से किसका कंसेप्ट आया, रेजोनेंस का कंसेप्ट आया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी गिवन बाय हिटलर एंड लंदन इन 1927। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पोस्टुलेट्स ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी विच हैव बीन गिवन बाय पॉलिंग एंड स्लेटर, क्योंकि पॉलिंग एंड स्लेटर ने ही इस हिटलर एंड लंदन की थ्योरी को एक्सटेंड किया था। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, सो थैंक यू वेरी मच।